हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप लोग कैसे? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। तो अभी रात को 8 बज रहे हैं, बहुत ही ज्यादा टाइम हो चुका है। समझ में नहीं आ रहा था कि खाने में क्या बनाएं। तो यहाँ देखिए, हम लिए पालक है। ये तो टमाटर वैसे ही रखे हैं। अभी हम पालक को छाट लिए हैं अच्छे से, जो बड़े बड़े पत्ता था निकाल लिए हैं। अब हम बनाएंगे इसको ना, इसमें हम अंडा डालेंगे। तो आप लोग जरूर देखिएगा पूरा वीडियो, और देख के आप लोग बताइएगा कि कैसे बना हुआ है। तो ट्राई जरूर करिएगा। तो हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बनाने के लिए। तो फिलहाल अभी अंडा आया हुआ नहीं है, तो पहले हम रोटी सेक लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे हम 6 अंडा लिए हैं। अब इसको इस गिलास में फोड़ेंगे, फोड़ के फेटेंगे, उसके बाद हम पोल्थिन में रखेंगे। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं, मेरा अंडा फूट गया एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात अंडा था। फेटेंगे इसे, फेट लें क्या आप चाकू से? चम्मच चम्मच से फेटेंगे। ये देखिए फटा गया है। अब हम इसको इसमें पुराएंगे, पलटेंगे, ठीक। इसमें देखिए हम पलट दिए हैं। तो देखिए अब हम इसको जो गिलास में है इसको हम सारा काट लेंगे, इसमें साफ कर देंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, ऐसे बांधेंगे। हम बांध देते हैं, यहाँ हम कढ़ाई लिए हैं। तो यहाँ देखिए पानी, इतना पानी रहेगा। उसके बाद हम गैस पे चढ़ा, ऐसे वैसे देखिए इसको हम चढ़ा देते हैं। उसके बाद हम इसको जो है पानी में डाल देंगे। यहाँ पे हम पानी में डाल दिए हैं। अब ये उसके जो पानी गर्म रहेगा, अंदर से गर्म होगा तो ये एकदम से उबल जाएगा। तो हम आपको दिखाएंगे। देखिए मिर्चा लिए हैं, आपको जैसा तीखा पसंद हो आप उतना तीखा कर सकते हैं, हमको तीखा पसंद है इसलिए। यहाँ इरा लहसुन, और यहाँ पे हम 3 प्याज लिए हैं, ज्यादा नहीं लिए, बस 3 प्याज। लंबा लंबा हम प्याज काट लिए हैं, मेरा कट गया। अब ये प्याज है, इसको भी हम काट लेते हैं इसी तरह। इसके बाद लहसुन छीलेंगे, बोलो। और यहाँ पे देखिए हम पालक को भून लेते हैं, खड़े पालक को। उसके बाद इसको रखेंगे उबलने के लिए।
तो देखिए पालक उबल चुका है, इसको हम पीस रहे हैं क्योंकि सिलपट्टे पे पीस रहे हैं, हमारे पास मिक्सी उक्सी नहीं है, है तो जार खराब है, तो सपोर्ट करिए कि नया आ जाए। देखिए सिलपट्टे पे मसाला, पट्टे पर का मसाला तो कमेंट करिए, हम आप लोग के लिए पीस के पठाएंगे क्योंकि हमको पीसते हुए अच्छा लगता है। पिसा गया है, पिसना पानी गिरा, इसको हम उठा लेते हैं। तो यहाँ देखिए पालक को पीस लिए हैं और यहाँ देखिए सिलपट्टे पे मसाला भी पीसे हैं, अब इसको किनारे रख देते हैं क्योंकि हमको भूख लगा है बहुत तेजी से। पालक को हम इसमें डाल देंगे, इसको उबालेंगे, जैसे हम पनीर को बनाते हैं उसी तरीके से हम बनाएंगे इसको भी, अंडे को भी, और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मस्त बनता है। अंडा को देखिए यहाँ पे उबल गया है, इसको खोल लेते हैं, जल रहा है। किसने बोला है अंडा जल, कैसे क्या करें यार। बहुत ही आसानी से देखिए पोलिथीन से बाहर आ जाएगा। अब हम इसको पनीर के जैसे कट कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही प्यारा प्यारा पीस हो रहा है इसका। कितना अंडा छिल रहा है, अगर आप लोग अंडा कढ़ी और एक ऑमलेट करके बनाते हैं सब उसका, तो अगर उब चुके हैं तो आप लोग ऐसा जरूर ट्राई करिएगा और हमारा वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। ऐसे ही नए नए वीडियो हम आप लोग के सामने ले आए लाते रहेंगे। उसी में रिकॉर्डिंग हो जा रही, काट दिए पहले। ये देखिए हो गया, अब हम चलते हैं इसको फ्राई करेंगे। यहाँ देखिए हम कढ़ाई चला दिए, अब इसमें डालेंगे तेल, इरा तेल, ज्यादा नहीं डालेंगे थोड़ा सा ही। मत माल टेलीफोन बात करे तो ये रहा, इसको फ्राई कर देते हैं। छोटा छोटा चीज उसको खाते थे और देखिए फूल फूल से कितना भारी भारी हुआ था। अभी जब ये बनेगा ना तो और ही अच्छा से रसा सूखेगा इसका, तो अभी तेल डालते हैं इसमें। तेल डाल दिए, हम डालेंगे थोड़ा सा हींग, हींग और मेथी का तड़का, आलू फेंका है, राही,
पड़े रहा प्याज। अभी देखिए थोड़ा थोड़ा ये लाल हो चुका है प्याज, अभी थोड़ा और लाल करना है, नम गोल्डन गोल्डन। टमाटर टमाटर को पत्ता जब तक प्याज भुजा तब तक हम टमाटर को काट लेते हैं और उस साइड हम कुकर में थोड़ा सा चावल चढ़ा रहे और कृष्णा हमारा बहुत ही अच्छे से खेल रहा है, टमाटर को आलू बना रहा है। हम अब इसमें टमाटर डाल दिए हैं, टमाटर को भी पकने के लिए हमारा प्याज और टमाटर जल्दी गल जाए तो हम इसमें डालेंगे नमक। देखिए टमाटर और प्याज गल चुका है, अब इसमें डालेंगे मसाला। अब हम इसको अच्छे से पकाएंगे मसाला को, जब तक ये तेल जो है ऊपर ना आ जाए। अरे देखिए अच्छे तरीके से भुजा गया तेल, देखिए आधा हो चुका है मसाला पक चुका है। अब हम इसमें डालेंगे पालक, एक मिनट डाल देते हैं। देखिए पालक डाल देंगे, इसको थोड़ा सा हल्का से पका लेंगे क्योंकि उसे भी हम पालक को उबाले भी होते हैं, थोड़ा सा पकाएंगे उसके बाद पानी डालेंगे इसमें। अब हम इसमें डालेंगे पानी, यहाँ देखे हम पानी डाल दिए हैं, अब इसको बदलेंगे छानने के लिए रख देते हैं। अब हम इसमें डालेंगे ये इसको डाल देते हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, अब हम इसको ढक देते हैं। तो यहाँ देखिए हम चावल से स्टार्ट करते हैं, गरम गरम चावल। हम साइड करते हैं, उसके बाद आ गया ये देखिए बहुत ही मस्त लग रहा है ना पनीर की तरह एकदम से। अल्लाह जल रहा है, यहाँ निकाल दिए इसको, उसके बाद जाएगा रोटी। देखिए अब हम कृष्णा को खाना, जल जाओगे कृष्णा खाएगा खाना।
तो हम उसे इसमें देंगे। क्योंकि खाता नहीं है ना वो जी, ज्यादा नुकसान करता है। तो दोस्तों वीडियो यहीं तक था, और देखिए बाय बाय नमस्ते। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और मेरा वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा।